सत्संग करता है, सत्संग के माध्यम से वह ठाकुर के चरणों में चला जाता है, सत्संग के माध्यम से हमारा जीवन सार्थक होता है। आप दृष्टांत के द्वारा समझो, एक जेल में कई प्रकार के कैदी होते हैं भाई, कोई मर्डर करके जाता है, कोई चोरी करके जाता है, कोई अपहरण करके जाता है। अब जेल के वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4 में कैदी भरे हैं। 15 अगस्त का समय आया, 26 जनवरी का समय आया, जेलर आया कि आज 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, बोलिए आपकी इच्छा क्या है। एक नंबर वार्ड से जब जेलर ने पूछा तो क्या बताया, महाराज सुबह तो भरपेट भोजन जेल के तरफ से मिलता है, एक शाम को 4 ही रोटी मिलती है, मैं 8 रोटी खाता हूँ, आधा पेट ही खाता हूँ, 4 रोटी के जगह यदि 8 रोटी हो जाए, 15 अगस्त है ना, इसलिए जेलर आदेश कर देता है आज के बाद 8-8 रोटी कैदियों को दिया जाए। दूसरे वार्ड में पहुंचता है, दूसरे वार्ड का कैदी कहता है कि महाराज गर्मी बहुत है ना, पंखे से गर्मी नहीं जाती है, थोड़ा कूलर लग जाए। जेलर कूलर का आदेश देता है, कूलर लग जाता है। तीसरे वार्ड में कैदी के पास जेलर जाता है, कहता है आपको क्या चाहिए। वह किसी 420 केस में फंसा दिया गया था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, कहा कि हमको जेल में आए तो भोजन की चिंता नहीं है, गर्मी सर्दी की चिंता नहीं है, इन पढ़ा लिखा हूँ, मेरी पढ़ाई व्यर्थ जा रही है, कुछ पेन और पेपर मिल जाता तो मैं अपने भारत की संस्कृति सभ्यता का वर्णन करता, चित्रण करता, लेखन करता। दिया जाता है पेन और पेपर। जब चौथे कैदी के पास जेलर जाता है तो चौथा कैदी जो मर्डर करके आया है, कई सालों से जेल में पड़ा है, वो दौड़ कर जेलर का चरण पकड़ लेता है, रोने लगता है, अलाप बिलाप कलाप क्रंदन करने लगता है कि महाराज हमको भोजन की जरूरत नहीं, हमको कूलर पंखे की आवश्यकता नहीं, हमको पेन पेपर की कोई इच्छा नहीं, बस एक ही इच्छा है महाराज, जो मर्डर किया, जो दोष किया, जेल हुआ, उसने मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ, मैं आपसे वादा करता हूँ यहाँ से निकलने के बाद कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगा, कोई गलत कार्य नहीं करूंगा, मुझे रिहाई चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे बेल चाहिए, इस कारागार से मुझे निकाल दीजिए। अंत तो गत्वा वृद्ध पर जेलर कृपा करता है और उसको मुक्ति दे। यही स्थिति हम सबकी है, हम भी संसार की जेल में कैद हैं। यदि भागवत भगवान से प्रार्थना करें, रो रो कर अपने सारे दुख का वर्णन करें, पश्चाताप का स्मरण करें और वादा करें कि अब दोबारा गलती नहीं होगी, तो भगवान मुक्त कर देगा। किसी जिस समय माताएं बैठी है हमारी गर्भ में हम लोग रहते हैं, कितना कष्ट होता है। बायोलॉजी में आप फिगर देखेंगे गर्भस्थ बच्चे का, उल्टा लटका होता है, अब उल्टा लटकने में कितना कष्ट होगा। गर्भ में हम सब 9 महीना उल्टे लटके रहते हैं, 1 सेंटीमीटर मिलीमीटर झिल्ली के बगल में मल और मूत्र प्रवाहित होता है, सीधा नर्क कहा जाता है। 9 महीना नर्क में किस स्थिति में रहता है, बायोलॉजी का फिगर आप देखे होंगे, दोनों थिगुना सटा होता है, मुट्ठी बंद होती है, ये हाथ जुड़ा होता है और सिर झुका होता है, मानो प्रेयर की स्थिति है ना, प्रार्थना की स्थिति है ना। गर्भस्थ बच्चा
नरक का दर्शन करते हुए कहता है कि हे परमपिता परमात्मा, जल्द से जल्द शीघ्रातिशीघ्र अविलंब मुझे इस नरक से बाहर करो। मैं तेरा ही नाम लूंगा, मैं तेरा ही काम करूंगा, जल्द से जल्द बाहर करो। परमात्मा जब 9 मास के बाद बाहर करता है तो बच्चा क्या कहता है? जब पैदा होता है बच्चा तो क्या बोलता है? क्या हम कहाँ आ गए, हम कहाँ आ गए, हम कहाँ आ गए। गर्भ में जो वादा किया है उसको भूल जाता है, उसी का स्मरण सत्संग में कराया जाता है और कुछ नहीं कराया जाता है। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, ये वेद बताते